हेलो इंजीनियर्स, दिस रोबोट सेती। तो आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही बढ़िया एक गैजेट जो आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो ये डिवाइस जो है वो वॉयस कंट्रोल एक डिवाइस है जिसको हमने कनेक्शन किया है एसी के माध्यम से, मतलब एसी पे हमने कनेक्शन किया है, जो स्विच पे हमने इसका कनेक्शन किया है। स्विच से भी हम लोग लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह, और वॉयस के माध्यम से भी हम लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं इसका डायग्राम और सभी कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये काम कैसे करते हैं। और इसके अंदर हमने लगाया है जो कि एक वोल्ट मीटर और एक जो कि ESP32 है और एक रिले, ठीक है। तो रिले को हमने चार स्विच के माध्यम से कनेक्शन किया है और चार LED को हम लोग ऑन ऑफ करेंगे, और इसका वॉयस जो है वो कंट्रोल करेंगे एलेक्सा जो डिवाइस है उसके माध्यम से। तो अभी आपको दिखाते हैं। एलेक्सा, सभी लाइट ऑन करो। देखा आपने, सभी लाइट ऑन हो गया है। तो अगर आप बोलेंगे एलेक्सा सभी लाइट ऑफ करो, तो इस तरह आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एक एक करके भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो नाम दिया उसके हिसाब से मैं इसको कंट्रोल करूंगा, जैसे कि एलेक्सा ट्यूब 2 ऑन करो। देखा आपने, एक ही कनेक्शन हमने ऑन किया है। और अगर चाहते हैं एलेक्सा ट्यूब 3 ऑन करो, इस तरह आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं और वॉयस के माध्यम से हम लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, और हम लोग स्विच के माध्यम से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नेटवर्क का इश्यू आया तो डायरेक्ट स्विच से भी हम लोग इसका ऑन ऑफ कर सकते हैं। एलेक्सा सभी लाइट ऑन करो, तो सभी लाइट ऑन हो गया अभी। तो ये जो डिवाइस है ये बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, आप अपने घर पे आसानी से लगा सकते हैं। और अगर इसका जो सर्किट डायग्राम आपको चाहिए तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना होगा किन किन लोगों को आपका ये सर्किट डायग्राम चाहिए, मैं उनको प्रोवाइड करूंगा, साथ में मेल आईडी भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका सर्किट डायग्राम के साथ।